सातपुड्यात वादळी वाऱ्यासह बेमोसमी पावसाची हजेरी, शेतकरी हवालदिल. सातपुडा पर्वत रांगेतील धडगाव व अक्कलकुवा तालुक्यात आज दुपारी 2 वाजेच्या सुमारास वातावरणात अचानक बदल होऊन वादळी वाऱ्यासह बेमोसमी पावसाला सुरुवात झाली. सुमारे तासभर जोरदार हजेरी लावल्याने शेतकरी वर्गाचे मोठे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. शेतकऱ्यांनी शेतात काढून ठेवलेला पीक माल भिजल्यामुळे नुकसान झालं आहे. घरांची व झाडांची देखील बडजड झाल्याची दिसून आली. आधीच कोरोना आजाराचे संकट असताना अवकाळी पावसाच्या थैमानाने बळीराजा हवालदिल झाला आहे. बदलते हवामान हे शरीराला घातक असल्याचे बोलले जात आहे. वादळी वाऱ्यासह पावसामुळे वीज पुरवठा खंडित होऊन जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. सुरुवातीस पावसाची कुठलीही चाहूल नसताना अचानक आलेल्या पावसाने शेतकऱ्यांची अक्षरशः तारांबळ उडाली. अनेक घराची पत्रे उडाली तर काही ठिकाणी जनावरांसाठी जमा करून ठेवलेला चारा तसेच कडब्या पासून तयार केलेली कुटी वाऱ्याने उडून गेल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या बेमोसमी पावसामुळे परिसरात कमालीचा गारठा निर्माण झाला आहे. ब्युरो रिपोर्ट, नवापूर एक्सप्रेस न्यूज, नवापूर. और अकलकुवा तालुका भाजपा गांव से है. अभी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर काफी तूफान आया और काफी यहाँ पर ये जो चर्च दिखाए रहे उसके भी सारा छत उड़ गया, पत्र उड़ गए और काफी ये यहाँ की लाइट सिस्टम भी टूट चुकी है और काफी नुकसान हुआ है. यहाँ के जो पत्रे जो उड़ चुके हैं उसका आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर ये भारी नुकसान हुआ है. और ये देखो पूरे ये जो आप दिख रहे वायर्स टूट गई है और काफी कुछ खराब हो चुका है. झाड़ भी यहाँ पे टूट गए हैं और आप देख सकते कैमरा में थोड़ा आप झूम कर किसको आप दिखाइए कितना भारी यहाँ पर नुकसान हुआ है. और ये सब यहाँ पर इतना भारी बवंडर आया इसकी वजह से टूट गया है. हालांकि यहाँ पर किसी का किसी को नुकसान नहीं हुआ लेकिन ये जो चीज़ आप देखो झाड़ है यहाँ का ये बाइक है यह सब टूट चुकी है और पूरा ये झाड़ पूरा टूट चुका है. यहाँ पर आप अच्छी तरह से आप देख सकते हैं और यहाँ जो घर है इस घर के जो पत्र हैं वो उड़ चुके हैं और उसकी वजह से इस घर में काफ़ी नुकसान है. थोड़ा घर में आप दिखाइए कैमरा मैन अभी काफ़ी यहाँ पर दिखाइए कितने दूर यहाँ पर गिर हैं. दो दो टुकड़े भी हो गए हैं इस पत्र का आप देख सकते हैं. और काफी उसमें हालात यहाँ पर खराब हो चुके हैं इस गांव के अंदर. इस गांव का नाम है भरपादर और आप चाहिए तो आप सरकार तक पहुँचाएगा और चाहिए तो आप जितना हो सके आप एक दूसरे का सहयोग कीजिएगा. कैमरामैन अजय और रिपोर्टर.